नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं बिजनौर की कुछ खास खबरें। फर्जी झोला छाप चिकित्सक को लेकर धामपुर के डिग्री धारक चिकित्सक हुए एकजुट। बता दें कि तहसील दिवस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नगर के अनेक डिग्री धारक चिकित्सकों के साथ डीएम उमेश मिश्रा को अपना मांग पत्र दिया। अध्यक्ष बीके सिंह ने कहा कि नगर व आसपास के क्षेत्रों में फर्जी झोला छाप चिकित्सकों ने अपने नाम के आगे एमडी लिखकर मरीजों को भ्रमित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फर्जी सर्जिकल सेंटरों के साथ ही एक्सरे अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब संचालित हैं, जिस पर मुरादाबाद मेरठ दिल्ली चिकित्सकों के सहारे बड़े बड़े बोर्ड लगाकर अस्पताल संचालित कर लोगों की जान से फर्जी चिकित्सक खिलवाड़ कर रहे हैं। मांग पत्र में की गई है कि फर्जी अस्पतालों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाए ताकि सच्चाई पता लग सके कि सर्जिकल केस कौन कर रहा है। इस फर्जी चिकित्सक का करने वाले अपने यहाँ केस लाने वाले दलालों को मोटी दलाली देते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ डिग्री धारक चिकित्सक ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने का अधिकार रखते हैं। कुछ फर्जी झोला छाप अपने यहाँ पर फर्जी अवैध तरीके से अस्पताल संचालित कर ऑपरेशन करने के साथ ही फर्जी सर्जिकल सेंटर में जाकर सर्जरी कर रहे हैं। एसोसिएशन ने डीएम उमेश मिश्रा से शीघ्र ही फर्जी झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल नर्सिंग होम सर्जिकल सेंटर तुरंत बंद कराने का अनुरोध किया है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष बीके सिंह, सेक्रेटरी गगन प्रताप सिंह, आदित्य अग्रवाल, डॉक्टर कमाल, डॉक्टर अतुल त्यागी, डॉक्टर मोहम्मद सोफियान आदि उपस्थित रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बहुत सारे लोगों ने जिनके पास कोई डिग्री नहीं है बट वो सर्जरी करते हैं, कोई सर्जन के यहाँ जाता नहीं है। धामपुर से जो हम लोगों के आईएमए के लोग डॉक्टर हैं या क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जहाँ भी उनके यहाँ सर्जरी कोई करने नहीं जाता है, ओटी टेक्नीशियन या किसी को भी बुलाकर वो सर्जरी करा लेते हैं, जिसकी वजह से कैजुअल्टी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए आज हमने डीएम साहब से मुलाकात की इस सिलसिले में। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हुए, किसी ने एमडी, किसी ने कुछ डिग्री लगाए हुए हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई इस एमडी का मतलब क्या है, वो लिखते हैं डॉक्टर जो भी नाम उनका, डॉक्टर घनश्याम सिंह या राम सिंह, आगे बाल रोग विशेषज्ञ, एमडी बाल रोग विशेषज्ञ। हम पूछते भाई ये एमडी कब की, कहाँ से की, तो वो कहते हैं ये एमडी वो फ्लाई है सर, ये तो मैनेजिंग डायरेक्टर है एमडी का मतलब। तो इसलिए जो गांव देहात की जनता है वो गुमराह होती है इसके सिलसिले में, और वो अपना अपने पैसे बनाते रहते हैं, कमीशन देते हैं एक डिलीवरी पर या एक सीजर पर। जो गांव देहात वाली दाई एएनएम आंगनवाड़ी या आपकी एएनएम, ये जो वहां केस ला कर पटक देती हैं उनके यहां, उनको वो 8 से 10 हज़ार कमीशन दे देते हैं, जिसके उस लालच के चक्कर में वो उनके यहाँ केस लेकर जाते हैं। इसमें बदनाम हमारा पूरा पूरा डॉक्टर फैकल्टी बदनाम होती है जो क्वालिफाइड है। तो इसमें क्या क्या मांगे और अच्छी मुख्य इसमें हम लोगों की मांगे हैं कि इस मैट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाए, जो भी ऐसे लोग हैं उनकी डिग्री की जांच की जाए, उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरे की समीक्षा की जाए, सबको सीसीटीवी कैमरे की बाध्यता की जाए, समीक्षा की जाए कि उसमें कौन सर्जन ऑपरेशन करने के लिए आ रहा है। कम से कम सीसीटीवी से ये क्लियर हो जाएगा कि कोई डॉक्टर सर्जरी करने गया था या नहीं गया था, किसी क्वैक ने सर्जरी की है। ऐसे ही पैथोलॉजी लैब्स जो चल रही हैं बहुत सारी, उन पैथोलॉजी लैब्स पर कोई डॉक्टर नहीं है। कोई क्या ये पॉसिबल है कि किसी ने मुरादाबाद के डॉक्टर के नाम से अपनी लैब का या हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो वहाँ से आके क्या पेशेंट देख सकता है या लैब चला सकता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे डॉक्टर्स भी जिम्मेदार हैं। उन सभी डॉक्टर से गुजारिश है कि वो अपने अपने जिसने अपने सर्टिफिकेट जिस हॉस्पिटल को, लैब को या सेंटर्स को दे रखे हैं, उनसे विड्रॉ करें, तत्काल प्रभाव से विड्रॉ किया जाए उसे।